दूर ही से देखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लग रही है, पास से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चट्टान है तो फोटो ही नहीं आ रही होगी उसमें। तो गाइस आप सामने देख रहे हैं ये भूतनाथ मंदिर, भोलेनाथ बिराजे हैं। तो गाइस ये झांसी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय तो आपका ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सब से बेसिकली। एंड गाइस आज का ब्लॉग कि यार कुछ पार्ट करना है और आज देखना है लाइफ में क्या क्या होता है। तो गाइस आज 3 अगस्त 2022 तो तुम्हारे भाई का आज जन्मदिन है। बात रोटी मंदिर से बेसिकली वापस आ गए हैं यहाँ पर शॉप। आज हम आपको कुछ शानदार चीज़ दिखाने वाले हैं और भी दो मंदिर चलेंगे तो वो पूरा वीडियो अभी आगे मिलेगा आपको देखने को, तो वीडियो को भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डूट चलो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। ये मतलब पुराने तरीके से चला रहा है अंदर बैठ के, तो आजकल तो मशीनों से चलने लगा है झूला। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे गोपी की बगिया के पास, अब आगे क्या देखते हैं, आगे क्या क्या इसमें यहाँ पे कुछ खास है दिखाते हैं, जैसा सुना है वैसा है कि नहीं है यहाँ पे, चलो चलते हैं रूट। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे मेला दिख रहा है मुझे एंड यहाँ से ही शॉप स्टार्ट हो गई, आइसक्रीम्स वगैरह ये सारी शॉप्स और झूले वूले भी छोटे छोटे से लगे हुए हैं यहाँ पर। एंड ये है मंदिर का एंट्री गेट, तो यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है वो शायद यही है और आगे भी झूले वगैरह चल रहे हैं कंटिन्यू। सीताराम महाराज, अच्छा मंदिर भोलेनाथ का यही है। पुराना मंदिर कौन सा, ये वाला है कि अंदर वाला है? पुराना मतलब यहाँ पे जो पुराना, नहीं जी मतलब ये बाहर बराजे वो है कि वो अंदर बराजे वो है, सब साथ में आए। अच्छा अच्छा समथिंग कितना पुराना है महाराज? कम से कम मान 2000 वर्ष। 2000 वर्ष पुराना यहाँ पे मतलब कुछ मान्यताएं सुनी थी कि मतलब आसपास के जो सपेरे हैं वो यहाँ पे सांप छोड़ने आते हैं, अभी आते हैं कि नहीं आते? ये गोपाल की बगिया है। हाँ उसकी सितानी है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा आप, अरे मैं ये पूछ रहा था कि अच्छा आपकी है ये गोपाल वाली बगिया? अरे यहाँ पे मैंने सुना था कि मतलब यहाँ पे जो सपेरे होते हैं ना वो अपना सांप लेकर आते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं, तो वो अभी आते हैं कि नहीं आते हैं, वो मान्यताएं भी हैं कि नहीं है? नहीं नहीं ऐसा तो हमने नहीं देखा भी। आपने देखा ही नहीं? हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं छोड़ते, वहाँ भूतनाथ पे छोड़ते हैं तो नहीं कह सकते। अच्छा भूतनाथ पे छोड़ते हैं? अगर छोड़ते हो पता नहीं। अच्छा अच्छा नहीं मतलब 40 साल पहले हमारे घर से भी यहाँ पर आए थे तो 40 साल पहले यहाँ हो सकता है। अच्छा लेकिन अच्छा अभी अब नहीं छोड़ते हैं? अच्छा दर्शन होते हैं सब। अच्छा अच्छा अब नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं और चले जाते हैं लेके। अच्छा अच्छा तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग ही सुनने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हैं क्योंकि यहाँ की जो प्राथमिकताएँ सुनी थी मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं गोपाल की बगिया एंड एक तरीके से फार्म हाउस टाइप का है। और अभी यहाँ पे जो सर्प को छोड़ने की एक बात थी कि भाई सर्पों को यहाँ पे छोड़ा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे छोड़ना अलाउ ही नहीं है। हाँ वो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं अपना सर्प साथ में ले जाते हैं, फिर बाद में कहीं पे छोड़ देंगे वो पता नहीं। अभी फिलहाल एक मंदिर है यहाँ पे भूतनाथ मंदिर, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं अगर कोई मिलता है तो उनसे कोशिश करेंगे। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हैं ये भूतनाथ मंदिर, ये लिखा है देखिए आप, श्री 1008 प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर, भोलेनाथ बिराजे हैं। तो ये भूतनाथ मंदिर है भाई साहब, ये भोलेनाथ की बहुत ही प्यारी और सुंदर तस्वीर बनी है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग अंदर की साइड और देखते हैं कैसा क्या भूतनाथ मंदिर है।
यहाँ पे बहुत विशाल ताल है, इस पर काम चल रहा है अभी। अंदर देखिए, आप देख सकते हैं जेसीबी वगैरह है, इनकी खुदाई चल रही है। ये बाबा भूतनाथ मंदिर, अभी बाबा भूतनाथ का श्रृंगार हो रहा है भाई साहब अंदर। थोड़ी देर में पट खुलेंगे तो हम दर्शन कराएंगे आपको। जय बजरंग। जय भोलेनाथ। तो ये गणपति जी की प्रतिमा देखिए आप, मतलब पत्थर की नकाशी पे ही प्राकृतिक रूप से इनको बनाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये भी एक पत्थर को नकाशी दे दी है, इस तरीके से चित्रकारी की गई है, काफ़ी सुंदर मूर्ति लग रही है भाई साहब। ये देखिए आप, कितनी बड़ी प्रतिमा है गणपति जी की, पत्थर की चट्टान पे इस तरीके से इतनी सुंदर कारीगरी देखने की, वाव में काफ़ी सुंदर नकाशी है भाई साहब। चट्टान है और दूरी से देखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लग रही है, पास से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चट्टान है तो फोटो ही नहीं आ रही होगी उसमें। बेसिकली मंदिर काफ़ी सुंदर है एंड जो सुना था कि वो छोड़ने आती चीज़ें अब नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि वो प्राचीन समय की जो कहानियाँ हैं वो अब कहानियाँ ही रह गई हैं। क्योंकि अभी हम मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं भाई साहब, क्या शानदार है। मतलब मंदिर पे तो बेसिकली लगता ही अच्छा है, जस्ट पार्क है डूड, कितना बड़ा पार्क है देखिए आप, काफ़ी शानदार है। ये पुरानी दालानें हैं जो पहले बनाई जाती थी प्राचीन समय में, ऐसी दालानें हमारे यहाँ पर भी हमें जाने का रास्ता। ये देखो इतने छोटे से रास्ते, हवन कुंडी बनी है यहाँ पे, हवन वगैरह होता होगा, हवन कुंडी है। पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष लगाया दूध, काफ़ी बड़ा है। जय माँ भवानी। यहाँ पर आज भंडारा हो रहा होगा तो उसकी पूरी प्रोसेस चल रही है भंडारे की। गाइस फिलहाल अभी वहाँ से मंदिर से लौटने के बाद डायरेक्टली यहाँ से निकल रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा यार, और जिस पर्पज़ से आए थे वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब एक मंदिर और है वहाँ पे आपको ले चलते हैं, ठीक है। और ये भूतनाथ मंदिर था जहाँ के हमने आपको दर्शन करा दिए, तो चलते हैं। तो गाइस ये है विजयलक्ष्मी देवी मंदिर, तो इसके अंदर भी हम आपको ले जाने वाले हैं। पत्थर की नकाशी पे ये पूरा मंदिर बना हुआ है भाई साहब, पत्थर की नकाशी पे, बहुत सुंदर। चलते हैं अंदर। ये दालानें देखो आप, पुरानी प्राचीन समय में जैसी बनाई जाती थी वैसी ये दालानें, तो काफी बगीचा है यार यहाँ। चारों तरफ गार्डन है, हरियाली है, देख सकते हैं आप, फ्लावर ही फ्लावर है। ये मंदिर से भी शानदार है, तो मंदिर के मामले में यहाँ पे दो तीन मंदिर हैं, वो भी एक से एक बढ़कर एक।
ये झांकी की सजावट की जा रही है यहाँ पे। सजाया है अभी जय हो प्रभु। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये दरवाजे के नीचे बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर, काफी प्राचीन है। गाइस बेसिकली हम लौट कर आ गए हैं भरगो सागर में और रूड यहाँ से मैं परचेस करने हैं अपने जो कूलर राम है उनमें पहिए लगे थे, वो पहिए उनके टूट गए, जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सरकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ से परचेस करते हैं पहिए, क्योंकि कूलर महाराज भी हमने यहीं से परचेस किए थे। अभी हवा देते हैं जो ठंडी ठंडी। आप ये जो पहिए लेने गए थे कूलर महाराज के लिए तो वो तो मिले नहीं। हे गाइस, तो यार अभी आ गए अपने स्वीट रूम डूड एंड दिस इज माय स्वीट रूम डूड। तो गाइस अपने ब्लॉग का बेसिकली डी एन ए पे होता है। आई होप कि आपको वो मंदिर अच्छे लगे होंगे। अगर वो मंदिर अच्छे लगे हों यार गाइस आपके लिए वहाँ पे विजिट करते हैं, मतलब इतनी दूर गए थे देखने के लिए। एंड गाइस तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। एंड डूड आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। कब सपोर्ट करोगे यार? मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बर्थडे तक मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर का, तो वो अधूरा ही रह गया। तो जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में नए इंसान। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।